क्या आप जानते हैं कि गैलेक्सीज फास्टर देन लाइट एक्सपेंड कर रही है? अगर नहीं तो कमर कस लीजिए, क्योंकि हम जानने वाले हैं इस कॉस्मिक फेनोमेनन के पीछे की साइंस के सीक्रेट्स को। 13.8 बिलियन साल पहले यूनिवर्स एक सुपर हॉट सुपर डेंस पॉइंट की तरह एग्जिस्ट करता था। फिर हुआ एक कॉस्मिक फायरवर्क शो द बिग बैंग, जिससे बिलियंस ऑफ बिलियंस गैलेक्सीज का जन्म हुआ। बिग बैंग का फोर्स गैलेक्सीज को शेप करता है, उनके स्पीड और ट्रेजेक्ट्रीज को भी इन्फ्लुएंस करता है। जो गैलेक्सीज हमसे थोड़े पास हैं वो धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं, जबकि कॉस्मिक आउटस्कर्ट्स के गैलेक्सीज लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेजी से हमसे दूर जा रहे हैं। इमेजिन करें कि आप एक हाईवे के किनारे खड़े हो और एक कार हॉर्न बजा के स्पीड से गुजर जाती है। अब इमेजिन करें इन गैलेक्सीज को उस कार की जगह यूनिवर्स में घूमते हुए। तो जब गैलेक्सीज हमसे दूर बढ़ती हैं, उनके साथ कुछ अजीब होता है। उनका लाइट स्ट्रेच होता है, जैसे कि एक दूर से आ रही गाड़ी की आवाज़ कम होती है। तो इन लाइट्स में जो कलर शिफ्ट होता है उनके स्ट्रेच होने की वजह से, साइंटिस्ट उसे ही कहते हैं रेड शिफ्ट। अब आप सोचेंगे ये कैसे होता है? ये एक कॉस्मिक सिम्फनी की तरह है जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में बज रही है। जब गैलेक्सीज हमसे दूर जाती है, उनके और हमारे बीच का स्पेस एक्सपैंड होता है, जो उनसे एमिटेड लाइट वेव्स को स्ट्रेच करता है, और इन्हीं लाइट वेव्स के स्ट्रेच होने की वजह से वो हमें ज़्यादा रेड दिखने लगती हैं। ये फिनोमेना सिर्फ एक कॉस्मिक कलर का दिखावा ही नहीं है, ये एक ज़रूरी टूल है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। रेड शिफ्ट की मात्रा को मेजर करके साइंटिस्ट ये समझ सकते हैं कि गैलेक्सीज हमसे कितनी तेज़ी से दूर जा रही हैं। तो ये कॉस्मिक रोलर कोस्टर्स हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वेल, इसके दो थ्योरीज हैं, द बिग चिल और द बिग रिप। द बिग चिल में यूनिवर्स एंडलेस एक्सपैंड होता है और ठंडा होता रहता है जब तक उसकी सारी एनर्जी ख़त्म ना हो जाए, और बिग रिप में एक्सपेंशन इतनी तेज़ी से होता है कि गैलेक्सीज, स्टार्स और एटम्स सभी अलग अलग हो जाते हैं। अब जबकि यूनिवर्स का अल्टीमेट फेट अनसर्टेन है, एक्सपेंशन को स्टडी करना हमें यूनिवर्स के इंट्रिकेट टेपेस्ट्री को दिखाता है। कॉस्मिक एक्सपेंशन सिर्फ गैलेक्सी के सिर्फ अलग अलग होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक सिम्फनी है जो सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है, स्टार फॉर्मेशन से लेकर लाइट के एसेंस तक। इमेजिन करें एक सेलेस्टियल बैलेट डांस, जहां हर कॉस्मिक एंटिटी अपना एक यूनिक रोल प्ले करता है। और इस कॉस्मिक सिम्फनी को स्टडी करना हमें दिखाता है यूनिवर्स के एवोल्यूशन और उसके पोटेंशियल फ्यूचर के बारे में। गैलेक्सीज के अलावा ब्लैक होल्स, नेब्यूले और डार्क मैटर, ये सब इस ग्रैंड कॉस्मिक बैले में अपना रोल प्ले करते हैं। हर कॉस्मिक एंटिटी कंट्रीब्यूट करता है यूनिवर्स के हार्मनी में, ग्रेविटी और एक्सपेंशन के गाइडेंस के साथ। सुपरनोवे, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, हर चीज़ यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में एक यूनिक फैक्ट का खुलासा करता है। ये फेनोमेना कॉस्मिक ब्रेड क्रम्स की तरह होते हैं, जो साइंटिस्ट को यूनिवर्स के इंट्रिकेट स्टोरी को डिसाइफर करने में हेल्प करते हैं। एंशिएंट स्टारगेजर्स से लेकर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स तक, हम सब इस कॉस्मिक नैरेटिव का एक हिस्सा हैं, जो हमारे क्यूरियोसिटी और नॉलेज की क्वेस्ट में हमें कनेक्ट करता है इस वास्ट कॉस्मोस से। तो आगे से जब भी आप आसमान में देखेंगे, तो याद रखिए कि हम विटनेस कर रहे हैं एक ऑनगोइंग कॉस्मिक ड्रामा को, जिसमें यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन अनफोल्ड होता है एक मेसमराइजिंग स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन और एंडलेस पॉसिबिलिटीज की तरह। कीप योर आइज ऑन द स्टार्स, स्टे क्यूरियस, और याद रखें यूनिवर्स एक एवर एक्सपैंडिंग ट्रेजर ट्रोव है, जो अपने सीक्रेट्स के डिस्कवर होने का वेट कर रहे हैं। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं? क्वेश्चंस और अपने थॉट्स के थ्रू हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।